हाय दोस्तों, फिर से हमारे चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सैंपल रेट का। मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग काम कुछ करते हैं तो उसका सैंपल रेट ठीक ठाक होना चाहिए। मतलब सीडी क्वालिटी का सैंपल रेट जो होता है वो 44,100 किलोहर्ट्ज एंड 16 बिट। तो हम लोग अगर सीडी में 48,000 का सैंपल रेट राइट करेंगे तो वो अपने आप 44,100 हो जाएगा, और डीवीडी में रहता है 48,000 सैंपल रेट। तो इसके लिए एक बात है, देखिए हम लोग ये जो आइकॉन, जो जगह पर आइकॉन है, इसका नेम है पुल। पुल मतलब ये है, बोल सकते हैं आप लोग न्यू एंडोर क्यूबस का हार्ट बोल सकते हैं। मतलब पुल में कोई सैंपल रहेगा तो तब प्रोजेक्ट में ये प्रोजेक्ट में आएगा, अगर पुल में नहीं रहेगा तो प्रोजेक्ट में आने का कोई चांस ही नहीं है। तो देखिए पुल में हम लोग जब क्लिक करते हैं, इसका शॉर्टकट की है Ctrl-P, Ctrl-P दबा के भी आप पुल ओपन कर सकते हैं। तो ठीक है, इसमें दिखा रहा है भोले ओ भोले किशोर कुमार का एक हिंदी फिल्म कारो के बोल के ये है। ये तो चलेगा नहीं, हम इसका ऑडियो फाइल को ले लेते हैं। ये ट्रांस में ऑडियो फाइल हम लोग डिलीट कर दिया है, तो इसको आप कर दे रहा है, ऑडियो में ड्रैग करके दे रहा है, दे दे रहा है, और इसको डिलीट कर दे रहा है। इसको आप लोग सिलेक्ट करके कंप्यूटर का डिलीट दबा देंगे तो डिलीट हो जाएगा। देखिए ये जो ऑडियो है, इसके अंदर तीन ऑडियो है 44,100 किलोहर्ट्ज़, और एक ऑडियो है 48,000 किलोहर्ट्ज़। जो ऑडियो स्टेटस में दिखा रहा है अभी नहीं है इसके अंदर, मतलब स्टेटस में क्रॉस दिखा रहा है। ये ऑडियो अभी जो फोल्डर में हम लोग जब न्यू प्रोजेक्ट किए थे, जब ओके करके जब हम लोग रिकॉर्ड प्रोजेक्ट के अंदर किए थे, तो बाय डिफॉल्ट ऑडियो फोल्डर बन जाता है इधर। तो ऑडियो फोल्डर के अंदर ये ऑडियो अभी नहीं है, तो इसको हम लोग इधर राइट क्लिक करके हम लोग कर सकते हैं क्या, प्रिपेयर आर्काइव कर सकते हैं। अगर हम लोग प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा, वो क्रॉस चला जाएगा। मतलब जो ऑडियो का इन्फॉर्मेशन था, जो पाथ में ऑडियो था, वो अभी प्रोजेक्ट फोल्डर में जो ऑडियो फोल्डर है उसके अंदर कॉपी हो गया। ये तो इसका हम दूसरा बात एक्चुअली कर रहे हैं। बेसिकली हम जो आज का चैप्टर कर रहे हैं तो ये है सैंपल रेट को हम लोग कैसे सेम तरीका से करें। मतलब सैंपल रेट सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं होगा, एक सैंपल रेट 48,000, एक सैंपल रेट 44,100, तो इसका बेसिस में आपका ऑडियो का आउटपुट क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। तो हम लोग इसको ड्रैग करके इधर ले आते हैं, तो देखते हैं ये एक सॉन्ग है, छोटा सा एक पार्ट है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, एक गाना चल रहा है, ठीक है। दूसरा सैंपल ले आते हैं, दूसरा ट्रैक में हम लोग ड्रैग करके भी इधर ले आ सकते हैं। तो ये हम लोग सुनते हैं क्या है, ये सोलो करके सुनते हैं। तेरे गौरी जो रूठ जाए, तो ये छोटा छोटा टेक है, जो टेक हम लोग रिकॉर्डिंग के टाइम पर लिए थे। तो प्रॉब्लम यही है, इसका साथ अगर हम लोग ढोलक यूज़ करेंगे, जो ढोलक है ये 48,000 का है, तो ये इसका साउंड क्वालिटी, ये जो बजेगा ये इसका साथ मैचिंग तो होगा। मतलब इसका सैंपल थोड़ा क्वालिटी सैंपल है, ये ढोलक का सैंपल, ये 48 का है या 44 का है। तो हम लोगों को आइदर सब सैंपल को 48 में ले जाना पड़ेगा, और नहीं तो सब 48 को सब 44 में ले आना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये जो सैंपल है, अगर हम लोग इसको 44,000 16 बिट में ले जाना चाहते हैं, तो ढोलक के ऊपर राइट क्लिक करके कॉन्वर्ट फाइल में जाना पड़ेगा। तो कॉन्वर्ट फाइल में देखिए क्या बोल रहा है, पहला वाला जो बोल रहा है सैंपल रेट, कीप मतलब सैंपल रेट जो है वही रहेगा, तो इसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं। 44,000 कर दिया,
सैंपल विड्थ मतलब सैंपल का बीट कितना होगा, ये हम लोग चाहते हैं 16 बिटों का। और बाकी जो है चैनल जो है वो 48 को कर रहा है, तो स्टूडियो चैनल है, अगर हम लोग चाहे तो मोनो भी कर सकते हैं। और फाइल फॉर्मेट जो है ये ब्रॉडकास्ट वेव है, हम लोग वेब फाइल कर सकते हैं। तो लास्ट जो ऑप्शन है ये बोल रहा है न्यू फाइल्स रिप्लेस फाइल्स न्यू प्लस रिप्लेस फाइल्स, मतलब न्यू फाइल्स ये कॉन्वर्ट होकर न्यू फाइल बन जाएगा, रिप्लेस फाइल मतलब ये फाइल रिप्लेस हो जाएगा। ये जो फाइल है जो 48 का है ये 44,116 बिट हो जाएगा, और न्यू प्लस रिप्लेस मतलब एक पुराना वाला रहेगा और उसका साथ साथ एक रिप्लेस होगा। तो हम लोग न्यू फाइल्स कर रहे हैं, न्यू फाइल्स करके अगर ओके कर देंगे तो देखिए ये ढोलक वाला सैंपल 44,100 किलोहर्ट्ज़ हो गया और मोनो हो गया है, हो गया। तो इसको अगर हम लोग फिर से दोबारा उधर ले जाना चाहते हैं 48 में ले जाना चाहते हैं तो 48 करके हम लोग 24 बिट कर सकते हैं, करके हम लोग अगर स्टूडियो करेंगे तो ये न्यू फाइल्स और एक बन जाएगा, एक तो है और एक बन गया, तो ऐसे टाइप का है। तो ये तो हो गया एक बात। दूसरा बात है हम लोग जब प्रोजेक्ट करते हैं, मान लीजिए जब हम लोग प्रोजेक्ट में जाते हैं उसके बाद प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, इसका शिफ्ट एस मतलब शॉर्ट की है शिफ्ट एस, इसको जब क्लिक करते हैं उस टाइम में हम लोगों को सैंपल रेट देना पड़ता है। तो ये सैंपल रेट क्या है, हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट प्लान जो है 44,100 किलोहर्ट्ज़ का प्लान है, इसमें सैंपल चलेगा और रिकॉर्ड फाइल 16 बिट होगा। तो इसको हम लोग ओके कर दिया है, तो इसका हिसाब से अगर हम लोग पूल में जाएंगे कोई भी ब्लैंक जगह पर राइट क्लिक करके अगर कंफर्म फाइल करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा जो प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट जो सेटअप है मतलब 44,100 किलोहर्ट्ज़ और 16 बिट जो सेटअप है उस सेटअप में चला जाएगा। तो हम लोग करते हैं राइट क्लिक करके कंफर्म फाइल करते हैं, तो बोल रहा है कि डू यू वांट टू कीप द सोर्स फाइल इन दिस पूल डायरेक्टरी। अगर हम लोग इसको सोर्स फाइल जो है जो फाइल है जो कन्वर्ट हो रहा है तो वो हम लोग रख सकते हैं, और नहीं तो रिप्लेस कर सकते हैं, हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं। ये बोल रहा है क्या, वार्निंग दे रहा है यू कैन नॉट अनडू दिस, तो ठीक है हम लोग रिप्लेस कर दिया है। तो देखिए जितना सारा सैंपल्स है उसका सैंपल रेट चेंज हो गया मगर बीट चेंज नहीं हुआ है, बीट जो 24 बीट था वही है। तो इसको राइट क्लिक करके हम लोग सिर्फ बीट को चेंज करेंगे कन्वर्ट फाइल में, 44,000 ये 48,000 नहीं है, इसको कीप रखते हैं, इसको भी कीप रखते हैं, इसको भी कीप रखते हैं, जस्ट इसको चेंज कर देंगे। देखिए 16 हो गया, ढोलक को इसका भी हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा कन्वर्ट फाइल करके, ये भी 16 हो गया, इसको चेंज करना पड़ेगा सैंपल विथ सैंपल रेट 44,100, इसको भी हम लोग कर सकते हैं न्यू फाइल्स नहीं रिप्लेस फाइल्स कर देते हैं फर्स्ट इट। देखिए 16 हो गया, उस टाइम में हम न्यू फाइल्स कर रहा था, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं कन्वर्ट फाइल करके इसको रिप्लेस। देखिए अभी जो हुआ पूरा फाइल्स 44,100 किलोहर्ट्ज़ 16 बिट और स्टूडियो मोनो जो हम लोग रखा है वही बेसिकली इसका ही है, जो हम लोग कन्वर्ट करने के लिए चाहा था वही हुआ है। तो देखिए ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल टाइम इमेज मतलब हम लोग अगर इमेज में क्लिक करेंगे तो वो सैंपल सुनाई देगा। गौरी जो रूठ जाए, अभी हम लोग इसको ड्रैग करके हमारा प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो देखिए कोई भी सैंपल को देखने के लिए इधर से इन्फो लाइन मतलब है सैंपल के इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, आप प्ले कर सकते हैं लूप कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं कोई भी,
प्रीव्यू के लिए। और इसका इतना सारा ऑप्शंस है, मतलब स्ट्रेटन अप, टेम्पो, सिग्नेचर, रूट की, ये सब को आप लोग व्यू कर सकते हैं, ऑल व्यू, शो ऑल कर सकते हैं, और नहीं तो शो हाइट, ऑल हाइट कर सकते हैं। तो इधर से ये होता है बेसिकली, ये पूल का एक छोटा सा चैप्टर है, हम लोग सैंपल के बारे में बात कर रहा था। तो इसका साथ साथ ये भी हम लोग दिखा रहे हैं, देखिए ये सब ट्रैक हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं, इसको सिलेक्ट करके डिलीट, राइट क्लिक करके डिलीट, रिमूव ट्रैक, इसको सिलेक्ट करके रिमूव ट्रैक, इसको भी सिलेक्ट करके रिमूव ट्रैक कर देता है। पूल से हम लोग एक सैंपल को ले ले रहे हैं, मान लीजिए ढोलक को ले रहे हैं, इसको ट्रैक करके इधर ले आइए, फिर उसके बाद इसमें इसको सेटअप करके रखिए। तो देखिए ढोलक का जो टाइमिंग है, टाइमिंग मतलब जो टाइम सिग्नेचर है और उसके साथ साथ जो इसका क्लिक है, मान लीजिए अभी ये क्लिक में मिलेगा नहीं, क्लिक में चलाइए तो मिलेगा नहीं, तो पुराना जो की हमने बोला है शिफ्ट जी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को बीट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं, 8 बीट में कितना दिखा रहा है, 90 BPM दिखा रहा है, टेम्पो ट्रैक स्टार्ट 90 BPM कर दिया है, तो इसको टेम्पो को ऑफ करके देखिए ये 90 में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये 90 नहीं है, ये 90 करना पड़ेगा इधर से। तो अभी इसको शिफ्ट जी करिए, अभी मिल जाएगा इसको। ये जो जगह है, ये जो वेब फाइल है, इसको डबल क्लिक कीजिए, तो देखिए एक प्लेटफॉर्म खुल गया है, इसको बोलता है क्या, नॉर्मली ये इसको इवेंट्स बोलता है, इवेंट्स मतलब ये इवेंट्स के अंदर हम लोग बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, हम लोग इधर से सिलेक्ट करके इफेक्ट दे सकता है, कोई भी प्रोसेस करके इफेक्ट डाल सकता है, कोई भी जगह पर गेन बढ़ा सकता है, मान लीजिए प्रोसेस के अंदर हम लोगों को वो जगह जो जगह हम लोग सिलेक्ट किया है उसका गेन थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए तो हम लोग बढ़ा सकते हैं, प्रीव्यू करके भी सुन सकते हैं। आप थोड़ा पूरा वेव के ऊपर ध्यान दीजिए, हम प्रोसेस कर रहे हैं, देखिए थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बढ़ गया, अंडू करते हैं, ये था कंट्रोल शिफ्ट जेड करते हैं, ये हो गया, तो फिर से हम लोग अंडू में चला जा रहा है। उसके बाद देखिए पेंसिल है, पेंसिल से हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते, एक्चुअली ये मिडी में होता है, मिडी में पेंसिल से काम होता है, तो ये वेब फाइल है, तो कोई भी जगह पर हम लोग ड्रैग करके जूम कर सकते हैं, जितना हो सके आप लोग जूम कर सकते हैं। एक पॉइंट में आ गया, देखिए कोई भी एक जगह पर अगर मान लीजिए ये जगह फट गया है, ये जगह फट गया है, आप लोग काम करिए इसको सिलेक्ट करके, मतलब एरो को लेके इसको थोड़ा बढ़ाइए, इसको अगर फट गया तो कम कर दीजिए, और कम हुआ तो थोड़ा बढ़ा दीजिए, जो जो पॉइंट आपको दिख रहा है वो पॉइंट में आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यह स्क्राब, स्कार्प मतलब इसको थोड़ा जूम आउट कर लीजिए, जी दबा के जो जगह पर आप माउस को लेके क्लिक करेंगे उस जगह बजेगा। बज रहा है, ये है ये स्कार्प है, एक्चुअली ये प्ले था, ये स्कार्प है, इसको आपको पूरा रनिंग चलना पड़ेगा, रनिंग चल जो होता है ना रिकॉर्ड का टाइप का होता है, जो रिकॉर्ड जितना जोर आप घुमाएंगे उतना स्पीड में बजेगा, तो इस टाइप का है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है, ये चैप्टर है, इसको बोलता है शो रीजियन। शो रीजियन मतलब अगर हम लोग चाहे तो कोई भी रीजियन को हमारा हिसाब से, मान लीजिए हम इसको सिलेक्ट किया है थोड़ा सा जूम करके इधर से इधर तक सिलेक्ट किया, कोई भी ये हो सकता है, कोई भी गाना में कोई भी रीजियन आपको अच्छा लगा
तो अगर वो टाइमिंग में है तो उसको आप इवेंट्स मोड में खोलकर उसको सिलेक्ट करके आप प्लस बटन को क्लिक करिए, ऐड रीजन। तो ये रीजन हो गया, अब लिख सकते हैं आपके हिसाब से। हम लिख रहे हैं ढोल वन, ठीक है। ऐसा करके हम लोग दो तीन रीजन ले ले रहे हैं। इधर से इधर तक हम क्लिक करके फिर से एक प्लस बटन को क्लिक करते हैं, इसको लिखते हैं ढोल टू। ये वर्चुअली हो रहा है बेसिकली। आप अगर वो जो फाइल जो है ऑडियो का, ऑडियो फाइल का अंदर एक काटिंग आपको नहीं मिलेगा, ये वर्चुअली हो रहा है। आप जो सेटिंग कर रहे हैं वो हो रहा है, तो किधर से मिलेगा वो हम बोल देंगे। तो इसको सिलेक्ट करके आप प्ले कर सकते हैं। अगर फाइन ट्यूनिंग करना चाहते हैं तो इसको फाइन ट्यून भी कर सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कोई भी। इसको ये जो ढोलक का एंड पॉइंट है इसको लेके आप लोग इधर रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। तो ये हो जाने के बाद मान लीजिए ये भी इसको हम ढोल थ्री कर देना। ये हो जाने के बाद जब हम लोग जाएंगे पूल में जाएंगे, तब देखिए पूल में वर्चुअली दिखाएगा आप क्या क्या सिलेक्ट किया है। देखिए पूल के अंदर जो ढोलक अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है ये, और इसका टाइम स्ट्रेच हुआ है बोल के ये आइकॉन दिखा रहा है। तो इसको अगर प्लस बटन को क्लिक करिएगा तो आपको वो ढोल वन, ढोल टू, ढोल थ्री मिलेगा। इसको ड्रैग करके आप ट्रैक में यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये आपका पूल में सेव्ड है। पूल को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इधर से एक्सपोर्ट पूल कर सकते हैं। ये पूल का चैप्टर में हम बोल देंगे कैसे करते हैं, और उसको इंपोर्ट करेंगे तो पूरा ये पूल इंपोर्ट हो जाएगा। मान लीजिए ये ऑडियो अगर नहीं भी रहेगा, इसको डिलीट करते रहे तब भी पूल में ये रहेगा, और ये पूल जब हम लोग इम्पोर्ट कर लेंगे पूरा ये सेटिंग आ जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा तरीका है इसका करने करने में, बहुत ही मान लीजिए आप लोगों का प्रोजेक्ट इतना आसान हो जाएगा। काम करते करते कोई भी सैंपल अगर आप लोगों को पसंद का सैंपल है वो ट्रैक करके लगा दीजिए, उसको टाइम स्ट्रेच करके थोड़ा सा वो ट्रैक का साथ लगा दीजिए। भोजपुरी में भी बहुत काम होता है ऐसे टाइप का काम, ऐसे टाइप का कटिंग करके करके अगर आप लोग ढोलक लगाते हैं। एक्चुअली ज़्यादा ढोलक भोजपुरी में भोजपुरी सॉन्ग में ही लगता है, और इंडियन सॉन्ग में तबला लगता है, और बाहर का जो वेस्टर्न है उसमें ज़्यादा ड्राम्स लगता है। तो कोई भी हमारा हिसाब से कोई भी जगह हम लोग कोई भी सैंपल के ऊपर कटिंग करके ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये था सैंपल रेट और थोड़ा सा पूल का चैप्टर। ये ट्रिक्स भी आप लोग बोल सकते हैं, ये थोड़ा प्रैक्टिस करके रखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो चैप्टर है थोड़ा थोड़ा ये अगर नहीं समझने से एडवांस में हम लोग नहीं जा पाएंगे। पहले इसको समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इन हैंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर इन हैंड प्रैक्टिस नहीं होगा तो हमारा वीडियो देख के आप लोगों को पूरा वो एक फाइल लेके कटिंग करके उसको रीजन सिलेक्ट करके करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। कोई अगर प्रॉब्लम होगा हमको कमेंट कमेंट दीजिए, नहीं तो नीचे में हमारा नंबर है उसमें SMS कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे। मगर ये इन हैंड प्रैक्टिस नहीं करने से प्रॉब्लम होगा, और एडवांस में हम लोग जाएंगे उस टाइम में बहुत सारा टूल्स है, बहुत सारे चैप्टर्स है जो जानना पड़ेगा। एडवांस मिक्सिंग मास्टरिंग कैसे करते हैं, और कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैक ट्रैक में कौन सा इफेक्ट डालना पड़ता है, मान लीजिए इंसर्ट में क्या देना पड़ता है, सेंड में क्या देना पड़ता है, जैसे कि आउटपुट अच्छा होता है और क्वालिटी भी अच्छा होता है, क्या देना पड़ता है। तो बहुत सारे इंटरनल इंटरनल क्यूबस का अपना कमांड है, न्यू विंडो का अपना कमांड अपना इफेक्ट है, और एक्सटर्नल भी बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे कि ओजोन है, जैसे कि न्यूट्रॉन है, जैसे कि ऑटो ट्यून है, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। हम लोग यूज़ कर करके दिखा देंगे कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे टी पैन करते हैं जो गाना में सॉन्ग बेसिकली सॉन्ग में देते हैं, और ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और फीमेल वोकल और मेल वोकल में कौन सा टाइप का इफेक्ट देने से सबसे अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। एक्चुअली जब एक्सपोर्ट होता है, जब रेंडर होता है, उस टाइम में कुछ चेंजेस होता है,
तो क्या करने से वो चेंजेस ज़्यादा नहीं होगा वो भी हम बोल देंगे। सो हमारा चैनल को आप लोग देखते रहिए, अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हम एक एक करके वीडियो दे रहे हैं और कमेंट भी हमको कीजिए कैसा आपको लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।